फ्रेंड्स, अभी हूँ मैं देहरादून में और अभी बज रहे हैं करीबन सुबह के 4:30। आज हम जा रहे हैं नाग टिब्बा ट्रैक, जो कि देहरादून का बहुत ही फेमस ट्रैकिंग ट्रेल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो कि यहाँ से करीब 80 किलोमीटर्स, जो स्टार्ट होता है पंटवाड़ी एक विलेज है वहाँ से, और वहाँ से वो करीब 8 किलोमीटर्स का ट्रैक है। हम आज रात वहीं पे स्टे करेंगे। मेरा बैग, मेरा टेंट और मेरा सारा सामान रेडी है और अभी मैं जा रहा हूँ देहरादून के मसूरी के बस स्टॉप पे, जो कि रेलवे स्टेशन के जस्ट बाजू में है, जहाँ से 5:30 बजे नैनबाग के लिए एक बस जाती है और नैनबाग से फिर एक टैक्सी जाती है। यही एक तरीका है वहाँ पे जाने का, अदरवाइज़ आप आपकी प्राइवेट टैक्सी आप कर सकते हो। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम निकलते हैं अपने ट्रैक के लिए और मैं आपको रास्ते में इस ट्रैक के बारे में और ज़्यादा बताऊँगा। चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं पंटवाड़ी, जहाँ से नाग टिब्बा ट्रैक स्टार्ट होती है। छोटा सा गाँव है और यहाँ तक आने के लिए आपको देहरादून से नैनाबाग के लिए डायरेक्ट बसेस मिलेंगी। टाइमिंग्स रहती है, आपके टाइमिंग के हिसाब से आप कंफर्म कर लीजिए देहरादून आके। मैंने मॉर्निंग में 6:30 की बस पकड़ी थी, अभी इलेक्शन की वजह से बसेस थोड़ी कम है, तो 5:30 पे भी बसेस जाती है मैंने सुना है। तो आप एक बार पहुँच के कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद आपकी जर्नी प्लान कीजिए। और नैनबाग आने के बाद आपको छोटे छोटे टेम्पो ट्रैवलर्स जैसे मिलेंगे, जो आपको पंटवाड़ी छोड़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैक को। तो नाग टिब्बा की ट्रैक हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अभी बज रहे करीब दोपहर के 12। मुझे थोड़ा टाइम लग गया आने में, क्योंकि मैंने देहरादून से बस पकड़ी थी तो वो करीबन 3-4 घंटे लेती है, 3-3.5 घंटे लेती है। फिर उसके बाद आज इलेक्शन है कल, तो इसकी वजह से व्हीकल्स थोड़े कम थे और मुझे नैनबाग से पंटवाड़ी आने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। ट्रैकिंग बहुत अच्छी है और फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने अभी तक की जितनी भी ट्रैक्स किए उससे ये काफ़ी चैलेंजिंग मुझे लग रही है, क्योंकि यूजुअली मुझे जो रॉकी जो वेज और ट्रेल्स होते थे वो मुझे मिलते थे या तो एट द एंड और या तो फिर किसी अल्टरनेट वे पे, लेकिन यहाँ पे तो स्टार्टिंग से ही बहुत पत्थर हैं रास्तों में। और मेरे पास काफ़ी अच्छा बैकपैक है, जिसमें मेरे पास है एक बहुत अच्छी हैवी -10 डिग्री तक की एक जैकेट, और मेरा बैकपैक है जिसके साथ में मैंने एक टेंट, स्लीपिंग बैग और एक मैट लेके रखा हुआ है। क्या बढ़िया था गुरु। ताकि मुझे ऊपर पे ना करना पड़े टेंट वगैरह के लिए, क्योंकि वो एक अननेसेसरी कॉस्ट हो जाता है। 1,000-1,500 रुपीज़ आप देते हो वन नाइट स्टे का, वहाँ पे आप 2,000 में टेंट पूरा खरीद सकते हैं केचुआ का, जो कि आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो अपनी किसी भी ट्रैक पे। मेरी बहुत सांस चढ़ी हुई है, क्योंकि मेरी अभी तक हैबिट नहीं है इतना हैवी बैकपैक वगैरह लेके ट्रैक करने की। ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने इतना हैवी बैकपैक वगैरह लेके मैं ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना था, तो इसके लिए मैंने सोचा ये ट्रैक सबसे बेस्ट रहेगा। और आगे मैं आपको हर चीज़ इस ट्रैक के बारे में बताता रहूँगा और कैसे आप ये ट्रैक बिना गाइड के आप कर सकते हो। बस आपको छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा प्री प्लान करनी पड़ेंगी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। आना जाना, टेंट वगैरह अगर आपको खुद का परचेस करना है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्या बात है सर, ये बात है। आप यहाँ पे आके 1,015 रुपीज़ में वन नाइट से आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, टेंट स्टे सब कुछ। अगर आप रेगुलर ट्रैकिंग करते हो, ऐसी जगह पे जाते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक टेंट और एक किट हाइकिंग का खरीद के रख लें अपने पास। ज़्यादा में ज़्यादा वो पूरा किट आपको 5,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन वो आपको बहुत हेल्पफुल देगा। आपको 2-3 ट्रैक में आपके पूरे पैसे आपके वसूल हो जाएंगे। आपको हर ट्रैक पे करीबन 1,015 रुपीज़ देना पड़ेगा सिर्फ उस टेंट को एक राइड यूज करने के लिए, स्लीपिंग बैग को।
और फूड का आप मैनेज कर सकते हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आप खुद का फूड अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो चलिए हम अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको रास्ते में सारी चीज़ें बताता रहूँगा आप खुद की ट्रैक आप कैसे कर सकते हो। चलिए मिलते हैं, बाय। तो अभी मुझे कुछ लोग मिले तो उनसे मैंने थोड़ा सा सजेशन लिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस ट्रैक को जा रहा हूँ और मैं मेरा खुद का स्लीपिंग बैग और सब कुछ कैरी कर रहा हूँ। तो ऐसी किसी फर्स्ट टाइम अगर आप किसी जगह पे जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्री प्लान करनी पड़ती है। आपको जगह के बारे में जानना पड़ता है कि वहाँ पे कैसा मौसम है, क्योंकि मौसम पहाड़ों में सडनली चेंज हो सकता है, आपको नहीं पता लगेगा, एक टाइम धूप है और एक टाइम बारिश। तो आप वेदर फोरकास्ट का यूज़ करें। ये ट्रैक मैंने पिछले 2-3 हफ्ते सिर्फ वेदर की वजह से मुझे कैंसिल करनी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे बारिश हो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पे आके बारिश में परेशान हो जाऊँ, तो मैंने वो ट्रिप कैंसिल कर दी। गूगल बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपको इन सब चीज़ों के लिए। सेकंड, आप देख लें वहाँ का ट्रेल कैसा है और वहाँ पे कैंप साइट में आपको कैंप्स अलाउड है कि नहीं, आपके खुद के कैंप्स लगाना, अगर आपको कोई फॉरेस्ट ऑफिसर की अगर आपको परमिशन लेनी पड़ती है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। और मोस्टली आप जाइए, आपको सॉल्यूशंस खुद ही मिल जाते हैं, आप बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी कैरी करके जाइए। मुझे पता है ऊपर कैफ़ेज़ वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने अपने साथ स्नैक्स और मेरा शाम का आज रात का खाना वहाँ पे हो जाए उतना मैंने अपने साथ में सामान रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पे अगर कुछ नहीं मिलता है तो मेरे ये चीज़ें काम आ सकती हैं, नहीं तो ऑफकोर्स पहाड़ों की मैगी जिंदाबाद। तो चलिए हमारे ट्रैक को कंटिन्यू करते हैं, स्पीड से जाएंगे तो हम लगता है शाम हो जाएगी हमें जाते जाते। यहाँ से जो पहला बेस कैंप है वो पड़ेगा करीब 3.5 किलोमीटर्स पे, फिर उसके बाद एक और बेस कैंप आता है जो 1.3 किलोमीटर्स पे पड़ता है। और समिट पे मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है और वहाँ पे अभी कोई जा नहीं रहा है, तो मैं कोई गाइड का सजेशन लूँगा वहाँ पे, जो गाइड्स वगैरह मिलेंगे मुझे अगर जा सकते हैं तो फिर मैं मॉर्निंग में 3 या 4 AM को अगर उठ के मैं जाने की कोशिश करूँगा, और अगर नहीं तो उसको मैं अगली बार के लिए रखूँगा, क्योंकि अगली बार आने के लिए कोई बहाना चाहिए। चलिए करते अपनी ट्रैक कंटिन्यू, और मुझे लग रही है काफ़ी भूख और मैंने अभी अभी एक स्नीकर्स खाई है, तो चलिए मिलते हैं आपको आगे अपनी ट्रैक पर। जब भी आप ट्रैक पर जाएँ आप अपने साथ कुछ स्नैक्स वगैरह रख लें, ये कोई जीरा सोडा मैंने रख लिया था अपने साथ में, और फ्रूट केक्स और कुछ पीनट्स वगैरह या स्नीकर्स, बेस्ट आपका एनर्जी बार हो सकता है, आप कुछ रख लें साथ में ताकि आपकी जो जर्नी है वो आपको हैक्टिक ना लगे, और जहां आप रेस्ट कर सकते हो और रेस्ट करो। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप उनके पेस में चलो, थोड़ा आगे रहो, रेस्ट आपको जब चाहिए रेस्ट कर लो, फिर उनके साथ में आप हो जाओ। ये मैंने अपनी त्रिवेणी के ट्रैक पे किया था, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई क्योंकि मैं आगे जाता था, मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स बन गए थे, हम लोग आगे जाते थे और वहाँ आराम से रेस्ट करते थे जब तक हमारा ग्रुप आता नहीं था, वो आके रेस्ट करता था जब तक हम लोग और आगे निकल जाते थे। तो इन शॉर्ट स्नैक्स रखिए अपने साथ में, खाते पीते जाइए, इन्जॉय कीजिए अपनी ट्रैक को, और कचरा अपने साथ में लेके जाइए, आपको डस्टबिन मिले उसमें डालिए, आप कचरा मत कीजिए। चलिए मैं इंजॉय करता हूँ। नाकिबा की ट्रैक के लिए आपको ज़्यादा पानी वगैरह बॉटल्स वगैरह ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऐसी 1/2 लीटर की बॉटल अपने साथ में रख लीजिए, और आपको ऐसे छोटे छोटे जो वाटर के फाउंटेन से आपको रास्ते में मिलते रहेंगे आप उसे रिफ़िल कर सकते हो और आप उसको पी सकते हो डायरेक्टली। फ्रेश वाटर है ये, क्योंकि ऊपर आइस जब मेल्ट होती है तो उसका पानी आता है, पानी साफ़ है। अगर आपको फिर भी अगर डाउट है तो आप एक दवाई आती है छोटा सा एक सिरप आता है वो अपने साथ में रखिए, 1/2 लीटर की बोतल में 2 बूंद वो सिरप डालना पड़ता है, पानी प्योरीफाई हो जाता है। तो दैट्स इट, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, गर्मी होती है पसीने ज़्यादा आपकी बॉडी छोड़ती है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए या कोई और लिक्विड फ्रूटी जैसा आपके बैग में रखिए ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप पी सको। और आप रश मत कीजिए, आराम से ट्रैक कीजिए,
आराम से चलिए, जहाँ आपको ज़रूरत लगती है आप रेस्ट कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, इतना बड़ा ट्रैक नहीं है जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। इन्जॉय कीजिए ट्रैक को, ऊपर जाना एक अलग बात होती है, लेकिन जो असली मज़े होते हैं ट्रैक के वो होते हैं जो आपका रास्ता होता है उसको आप इन्जॉय कीजिए और ट्रैक को इन्जॉय कीजिए। करीबन 2-3 घंटे हो गए हमें चलते हुए, अभी दोपहर के बज रहे हैं करीब 2:30। अभी हम पहुँचेंगे और कैंप बहुत ऊपर है, उसके आसपास कहीं पे मैं लगाऊंगा अपना टेंट। मुझे आ रही है नींद क्योंकि मेरी थी रात को शिफ्ट और मैंने रेस्ट नहीं किया और मैं डायरेक्टली ट्रैक पे निकल के आया। तो नाकटिब्बा में बहुत सारे आपको कैंप्स मिलेंगे, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो या आप यहाँ पर लोकली आके बुक कर सकते हो। त्रिलोपिया के खुद के इनके कैंप्स हैं। अगर आप की अगर गियर्स लेके आ रहे हो टेंट वगैरह तो आप थोड़ा सा आगे जाइए और खुले में थोड़ा सा टेंट लगाइए, लेकिन आसपास थोड़े सा लोग रहें, मतलब ज़्यादा दूर आइसोलेटेड एरिया में मत लगाइए, थोड़ा सा लोग रहें, थोड़े से डिस्टेंस पे लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रात को जंगलों में ज़्यादातर भालू वगैरह आते हैं तो थोड़ा खतरा रहता है, तो थोड़ा सा लोगों के आसपास रहिए तो आप सेफ रहोगे। इन्जॉय कीजिए। अगर आप जाते हो तो इस रास्ते पे काफ़ी सारे आपको पत्थर पड़ेंगे, बट ये रास्ता शॉर्ट है, आपको इसमें सारा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लंबा रास्ता चाहिए, थोड़ा सा लंबा रास्ता चाहिए और आपको ज़्यादा रॉकी नहीं चाहिए, इजी चाहिए, तो आप यहाँ से जा सकते हो। और ये जो पीछे कैंप्स है आपको दिख रहा है कि हाँ, ये जो पीछे कैंप दिख रहा है आपको, इसके पीछे से एक रास्ता जाता है जो कि आपको घुमा घुमा के पहाड़ी के ऊपर लेके जाता है, जो कि ईजी रास्ता है। और मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा ऊपर जो गए थे, तो उनसे मैंने पूछा कि कौन सा रास्ता इजी है, ये वाला ये बोला, तो सबने वही रास्ता इजी बताया। ये रास्ता हार्ड है लेकिन शॉर्ट है, तो चूज़ वाइजली, आपको जिस रास्ते जाना चाहिए आप जा सकते हो। समझ रहे हो आप? ये रास्ते में आपको टाइम कम लगेगा, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। लेकिन आपको उस रास्ते पे पत्थर ज़्यादा नहीं आएंगे और वो रास्ता थोड़ा सा ईजी है आपके लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हो या आप पहली बार आ रहे हो तो आप वो रास्ता पकड़िए, और अगर आप रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो आप इस रास्ते से जा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। आखिरी का 1 किलोमीटर बचा है बेस कैंप के लिए, और जो लास्ट का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा पथरीला है और बहुत चैलेंजिंग ट्रैक है ये, बहुत ज़्यादा। और मे बी मेरे पास फर्स्ट टाइम जो वेट है मेरे पीठ पे, उसकी वजह से मेरे को चैलेंजिंग लग रहा है, या ये है चैलेंजिंग, बट मज़ा आ रहा है। आज कैंप साइट पे जाके मैं टेंट पिच करूँगा, उसके बाद कल मॉर्निंग में 5:30 को मैं नागटिब्बा मंदिर के लिए निकलूँगा। सबमिट अभी बंद है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल है इसके लिए, तो चलो आपको दिखाते हैं अपना कैंप साइट। टेंट रेडी है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ कुछ चाय और पकोड़े। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। मैं आपको एक बहुत एक्सपर्ट टिप देने वाला हूँ, आप बहुत अच्छे पैसे सेव कर सकती हो इसमें। पैसा ही पैसा होगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास खुद का टेंट है, आप आइसोलेटेड जगह पे नहीं लगाना चाहते अपना टेंट,
किसी कैंप साइट में लगाना चाहते हैं तो आप जाके उनसे बात करो, कई बार वो लोग फ्री में आपको लगाने देंगे आपका टेंट, या कई बार 100-200 रुपीज़ आपको चार्ज करेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे वॉशरूम वगैरह मिलेगा, आपको चाय कॉफ़ी वगैरह आप वहाँ पे ले सकते हो, जगह अच्छी रहेगी, लोग भी रहेंगे वहाँ पे, आप बॉनफायर वगैरह का इंजॉय कर सकते हो बिना आपको टेंशन के। मैं एक्चुअली मेरे साथ में न्यूज़पेपर और लाइटर वगैरह मैं लेके आया था, मैंने सोचा था अगर मैं आइसोलेटेड जगह पे बुलाऊंगा तो मैं कैंप फायर करूँगा अपने लिए, लेकिन यहाँ पे कैंप फायर इनके कैंप में है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मंगाई उसके साथ में चाय, चाय के साथ मुझे पकौड़े कॉम्प्लीमेंट्री मिले। तो ऐसे ही आप पैसे सेव कर सकते हो और अपनी ट्रिप को इन्जॉय कर सकते हो। मैं करता हूँ अपने पकौड़े इन्जॉय, चलिए आपको दिखाऊंगा सनसेट, अभी काफ़ी धूप है। ज़्यादा ठंडी काफ़ी बढ़ गई है, आप मेरे कपड़ों को देख के समझ गए होंगे, अभी करीब -3-4 degrees का टेम्परेचर चालू है और मैं आज दिन भर से चल रहा हूँ और मैंने कल नाइट शिफ्ट की थी और मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं अब सोऊंगा। और स्नैक्स मैंने अपने साथ में मिल्क ले लिया था इलायची का, मैं कैलरीज थोड़ी कम खा रहा हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट वगैरह करता हूँ तो डाइट वगैरह मैं अच्छी रखता हूँ, तो अभी मैं अपनी डाइट नहीं प्रॉपर फॉलो कर सकता लेकिन मैं अच्छी चीज़ें ले सकता हूँ। इलायची का मिल्क लिया मैंने, ऑप्शन था मेरे पास यहाँ पे खाने का लेकिन इनका खाना मैंने नहीं बोल दिया क्योंकि ऑयल वगैरह उनके खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था मैंने देखा था। तो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो खुद का कुक कर सकते हो, ड्राई फ्यूल आते हैं अमेज़ॉन पे, छोटे छोटे क्यूब्स रहते हैं कपूर के जैसे, आप उनको माचिस से जलाइए, एक क्यूब उसका करीबन 15 मिनट्स चलता है और आपको एक पैकेट में करीब 10-15 क्यूब्स आते हैं जो आपको सफिशेंट है एक ट्रिप के लिए। आप उसमें चाय कॉफ़ी आप ऑमलेट वगैरह आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, आप छोटा सा बॉल अपने साथ में रखिए और इससे ज़्यादा आपको कैरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बर्तन वगैरह। आप चाहिए तो ओट मील के छोटे छोटे पाउचेस आते हैं 10-15 रुपीज़ वाले, वो आप कैरी कर सकते हो, आप मैगी कैरी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, और आपकी चॉइस है, आप कुकिंग करना चाहते हो अगर कैंप में तो वेल एंड गुड, नहीं तो वहाँ के कैंप्स में आपको फूड ईजीली अवेलेबल होगा, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहेगा लेकिन आपको कुकिंग का टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कैंपिंग का मज़ा ही है, खुद आप प्रिपेयर करो और सब कुछ आप खुद करो। तो चलिए फिर मैं अपना इलायची मिल्क इंजॉय करता हूँ और सोता हूँ क्योंकि मुझे जाना है सुबह सुबह नागडीबा टेम्पल पे और वहाँ से वापस आके मुझे देहरादून में जाना है, तो मुझे बहुत जल्दी मुझे मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा। चलिए इंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छा मिल्क, बहुत ही अच्छी मेरी मील और अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मिलते आपसे कल, गुड नाइट, बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 5 और मैं निकलूँगा अपनी नागडीबा टेम्पल की ट्रैक के लिए, मैं चाहता था सबमिट करना लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए काफ़ी ज़्यादा मेरे पास नहीं है और हैवी स्नोफॉल की वजह से वो रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है अभी, तो मैं उसको अगली बार के लिए रखूँगा। मैं हमेशा कहीं पर कुछ ना कुछ छोड़ के आता हूँ ताकि मैं उस जगह पर वापस आ सकूँ। तो आज हम जाएंगे नागडीबा टेम्पल और फिर हम करेंगे अपनी डाउनवर्ड्स की जर्नी स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैं मॉर्निंग में 5:30 को करने वाला था लेकिन अंधेरा बहुत था और रास्ता जंगलों में से जाता है तो मैंने रिस्क नहीं लिया
और वैसे भी मुझे सिर्फ मंदिर तक जाना है, मुझे समिट पे नहीं जाना है, तो मैंने थोड़ी देर और वेट किया और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। अभी बज गए करीब 7 और देखते हैं मंदिर जाने में कितना टाइम लगेगा। करीब 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर और हम जल्दी से पहुँचते हैं, आप जब तक व्यू का मजा लो। सारे जंगल वगैरह पार करके वहाँ से आएंगे, वो आपको एक घर पड़ेगा, फिर वहाँ से सीधा आप आएंगे तो आपको एक कैंटीन पड़ेगी, आप यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। और थोड़ा सा मंदिर आप कैंटीन से थोड़ा सा साइड में से होकर जाएंगे आगे, सीधा मंदिर आपको मिलेगा। तो पहले जाएंगे मंदिर, फिर आके कैंटीन में से कुछ खाएंगे क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। चलिए जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे समिट पे जाना चाहते हैं तो आपको वो पीछे कैंटीन दिख रही है, और यहाँ से सीधे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मंदिर आएगा। और समिट के लिए जो है वो कैंटीन के पीछे से रास्ता जाता है, पीछे से रास्ता जाएगा जो वहाँ पे जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते पे आप जाओगे तो समिट पहुँचेगा। एक्चुअली जो पंडवाड़ी से जो नागटिब्बा का जो डिस्टेंस है वो पड़ता है करीबन 6-7 किलोमीटर्स। जो बेस कैंप था वो था हमारा करीबन 2.5 किलोमीटर्स पंडवाड़ी से, और बेस कैंप से जो मंदिर था वो था 2.5 किलोमीटर्स। तो और जो यहाँ से जो समिट का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 किलोमीटर। तो अगर आप समिट के अगर आप समिट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप पहले दूसरे तीसरे किसी भी कैंप के आसपास अपना टेंट लगाइए या आप कैंप में आप रुकिए, और वहाँ से आप मॉर्निंग में 3-4 बजे आप उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, रेडी हो जाइए। और बहुत सारे ग्रुप मॉर्निंग में 3-4 बजे निकलते हैं समिट के लिए, आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 3-4 बजे उठ के रेडी हो जाइए, वो जिस रास्ते जाएंगे आप उस रास्ते से पहुँच जाइए, आपको सनसेट देखने के लिए मिलेगा ऊपर जाके। आप अकेले जाने की कोशिश मत कीजिए सुबह क्योंकि अंधेरा होता है, और अगर सर्दियों में अगर आप जा रहे हैं जैसे मैं आ जाया हूँ तो यहाँ हर जगह पे बर्फ़ है और रास्ते बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली आपको जाना पड़ता है वहाँ से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप आराम से 2-3 घंटे में आप समिट पहुँच सकते हो, 6-7 बजे तक आप वहाँ से सनसेट देखिए, आप वहाँ से सनराइज़ देखिए, और आराम से आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर आप अपनी डाउनवर्ड्स की जर्नी आप इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं मंदिर के यहाँ पे अगर कोई वाटर सोर्स मिलता है मुझे। मैंने सुना यहाँ पे एक वाटर सोर्स है बट बर्फ़ की वजह से सारा वो वाटर सोर्स क्लोज हो चुका है। चलो ट्राई करेंगे। यह है नागटिब्बा देवता का मंदिर और ये बहुत ही पुराना यहाँ पे मंदिर है, इसको नागदेव का मंदिर बोला जाता है और काफ़ी सालों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर आए तो मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। मंदिर अभी बंद है तो मैं बाहर से ही दर्शन करूँगा उसके, और फिर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे कैंटीन में और फिर हम डाउनलोड्स की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे निकलना है देहरादून और यहाँ से नीचे उतरने में काफ़ी टाइम लगेगा। Thank you.
दर्शन कर लिए हैं नाग देवता के, और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर कैंटीन की तरफ, और वहाँ पे जाके कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर अपनी डाउनवर्ड्स की जर्नी स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं। तो इसी के साथ हमारी जर्नी ख़त्म होती है नाग टिब्बा की। अभी यहाँ पे समिट रह गई है, मैं ज़रूर अगली बार आऊँगा और समिट पे भी जाऊँगा। तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ट्रैक पे या कहीं घूमने के लिए, हम हमेशा वहाँ से कुछ सीख के आते हैं। जैसे कि मुझे क्या इस बार समझ में आया कि अगर आप समिट जाना चाहते हैं तो आप आके यहाँ पे मंदिर के यहाँ पे भी आप अगर आप खुद का टेंट वगैरह ला रहे हैं तो यहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपके पास खुद का टेंट नहीं है तो मैंने यहाँ के जो कैंटीन है उसके उसमें जो लड़का काम करता है उसका मैंने नंबर लिया है, उसके पास खुद के टेंट्स हैं, तो अगर आप उनके टेंट्स यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर डाल दूंगा तो आपको हेल्प करेगा। तो आज की ट्रैक ख़त्म होती है, मैंने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया, अब मैं कर रहा हूँ अपनी डाउनवर्ड्स की जर्नी स्टार्ट। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मुझे लगता था कि सिर्फ चढ़ना मुश्किल है लेकिन यहाँ पे बर्फ़ में उतरना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ स्लिपरी है, आपके रास्ते पूरे स्लिपरी हैं, आपको बहुत केयरफुली उतरना पड़ता है, और गर्मी की वजह से जो बर्फ़ है वो हो गई है काफ़ी हार्ड, और वो एक पत्थर का काम करती है लेकिन बहुत ही स्लिपरी पत्थर जो कि आपको गिरा के आपको इंजर्ड कर सकते हैं। तो अपने आप अच्छे जूते लेके आइए साथ में और बहुत ही केयरफुली उतरिए। मैं बहुत ही केयरफुली उतर रहा हूँ और हर कदम पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो एक और चीज़ हुई आज मेरे साथ में, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और मेरे पास इतने वीडियोज़ भी नहीं थे अभी तक। एक पर्सन थे, उन्होंने मेरे को आके अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि मेरे को उन्होंने कहीं देखा है, तो मैंने बोला कि मैं कहीं पे जॉब करता हूँ शायद वहाँ देखा हो, तो उन्होंने नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला मैंने आपको कसोल की वीडियो में देखा था। तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि इतने कम सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपको ट्रैक कैसे करनी है, आपको गाइड के साथ कैसे आप अरेंज कर सकते हो, विदाउट गाइड आप कैसे अरेंज कर सकते हो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए डालूँगा। आपके डिसीजन खुद ले सकते हो, आप डिसीजन लीजिए और लाइफ को इंजॉय कीजिए। आपको ज़िंदगी भर आपको जॉब करनी है, ज़िंदगी भर आपको सारी चीज़ें करनी है, लेकिन आप अपनी लाइफ को इंजॉय कीजिए, क्योंकि जो टाइम एक बार आपका निकल जाएगा, 50 प्लस हो जाएंगे, तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे जो कि आप अपनी यंग एज में आप कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी डाउनवर्ड जर्नी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये कर लो, पहले शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस ट्रैक से रिलेटेड, मैं डिटेल्स आपके लिए ज़रूर कलेक्ट करके दे दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह पे जाता हूँ तो वहाँ के कुछ कॉन्टैक्ट्स मैं अपने पास रखता हूँ ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डाउनलोड जर्नी, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर।